प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कैंसर अस्पताल IGMC का दौरा किया और निर्माणाधीन कैंसर OPD ब्लॉक के कार्य को शीघ्र पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों से लोग IGMC इलाज के लिए पहुंचते हैं, ऐसे में सरकार लोगों को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं और सुविधाएं किस तरह से प्रदान कर सकती है, इस दिशा में सरकार काम कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कैंसर आज के समय में देश दुनिया में बड़ी समस्या बन गई है, जिसका एक कारण मिलावटी खाद्य पदार्थ का सेवन और जीवन शैली में बदलाव है। उन्होंने कहा कि सरकार फूड सेफ्टी को लेकर भी गंभीर है, किस तरह से मिलावटी खाद्य पदार्थों के चलन को रोका जाए, इसके लिए भी सरकार कार्य कर रही है। वहीं भाजपा द्वारा लगाए जा रहे हिमकेयर योजना को बंद करने के आरोपों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार हिमकेयर योजना को बंद करने वाली नहीं है, बल्कि इस योजना को और सुदृढ़ कैसे किया जाए, इस दिशा में सरकार काम कर रही है। क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या किस कमी है, उन सब चीज़ों को देखने के लिए मैं आज कैंसर हॉस्पिटल का दौरा रखा है। हम मैंने मल्टी फेसिटेड अप्रोच के रूप में इसको देखना चाहते हैं कि आफ्टर ऑल इतनी तादाद में, इतनी संख्या में कैंसर पेशेंट क्यों बनते जा रहे हैं। और कुछ अध्ययन से पता लगा है कि हमारे पास जो हम खाद्य पदार्थ आजकल दे रहे हैं या जो हमें मिल रहे हैं मार्केट में, उनमें काफ़ी मिलावट है। और एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी ये भी कहती है कि भाई अगर इसी प्रकार का कुछ वर्षों तक रहे तो अगले 20-25 सालों में हर दूसरा आदमी कैंसर का पेशेंट बनेगा। हम इसीलिए थोड़ा फूड सेफ्टी की तरफ भी ध्यान देंगे और मैं अगले एक या दो दिनों में भी इस प्रकार की मीटिंग करना चाहता हूँ, जिसमें हम उस तरफ ज़्यादा ध्यान दें कि हम जो खा रहे हैं वो क्या ठीक भी है, उसमें ज़्यादा मिलावट ना हो। ये भी एक कारण है, बहुत से और जीवन शैली के और भी बहुत से कारण हो सकते हैं। और कैंसर को किस प्रकार से प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम ज़्यादा करीब से देख पाए, हमारे डॉक्टर साहबान जो काम कर रहे हैं रात दिन, और हमारा जो अनुसंधान इस ओर गया है, उसी लिए ये बेट स्कैन की जो स्थापना की जा रही है ताकि ये बड़े करीब से देख पाएंगे उन चीज़ों को, और ज़्यादा उच्चतर हमारी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसीलिए ये जो बेट स्कैन का जो स्थापना की जा रही है उसी दिशा में एक कदम। ऐसे बिल्कुल ही नहीं है, हिमकेयर योजना बहुत अच्छी योजना है और इसके बारे में तो मैंने अब जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री उनसे भी बात की थी जब उनको मिला था, और हिमकेयर किसी भी हालत में किसी भी प्रकार के रूप में बंद होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, इसमें और सुदृढ़ बनाने की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। डॉक्टर साहब, इलाज के लिए लोगों को बाहर ना जाना पड़े, किस तरह की सुविधाएं जो है वो IGMC के अंदर या फिर अन्य जो मेडिकल कॉलेजेस है या बड़े अस्पताल है हिमाचल के अंदर वहाँ पर दी जाएगी? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमारे खासकर जो सुदूर क्षेत्र के लोग आते हैं और उनको इतनी दूर से आकर और हमारे पास सुविधाएँ ना मिले तो बाहर जाना पड़े, इसकी ही तरफ हमारा ध्यान हमेशा रहता है। हमारे डॉक्टर्स जिन्होंने इतना अच्छा काम किया, विशेषकर कोरोना काल में अपनी सेवाएं दी है, हमारे डॉक्टर साहब ने, हमारे नर्सिंग स्टाफ ने, हमारे मेट्रन ने, हमारे सभी स्वास्थ्य कर्मियों ने और सभी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ने एक बहुत अच्छा काम किया है। तो इन दिनों जबकि हम इस मुसीबत से बाहर हैं, अब तो हम अपने उन सभी पेशेंट्स को जो यहाँ पर आए इन साइड द हॉस्पिटल फैसिलिटी देने का पूरा इंतजाम कर रहे हैं और इसमें कोई कमी नहीं रखी जाएगी।